हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चेतना कुकिंग एंड ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ गुजरात का फेमस फाफड़ा, जो नाश्ते के रूप में खाया जाता है। ये गुजरात का स्ट्रीट फूड है, इसको आप सुबह नाश्ते में भी खा सकते हैं और आपका जब मन करे तब इसको खा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा नाश्ता है, इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। ये गुजरात में बहुत बनाया जाता है और ये जलेबी के साथ भी खाया जाता है और ये हरी चटनी के साथ भी इसको खाया जाता है। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। ये बहुत आसान है इसको बनाना। इसको बनाने के लिए मैंने, ये देखिए, एक कटोरी मैंने ये बेसन लिया है और इसमें हम देखिए एक कटोरी हमने छानकर बेसन ले लिया है, जिससे इसमें कोई भी गुठली ना हो। देखिए हमने एक बाउल में ये डाल दिया है और इसमें हम थोड़ा सा देखिए अजवाइन डालेंगे। देखिए थोड़ी सी ली है, अजवाइन इसमें डालना बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। और देखिए मैंने हाथ में ले लिए, हाथ में थोड़ा सा हम घिसकर अजवाइन डाल देंगे इसमें। देखिए अजवाइन अच्छे से डालिए, ज़्यादा मतलब कम नहीं डालना है हमें इसमें, एकदम बढ़िया से अजवाइन डालनी है। इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा स्वाद आता है इसमें। और देखिए हम इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालेंगे, बेकिंग पाउडर डालना है हमें, बेकिंग सोडा नहीं डालना है इसमें। और थोड़ी सी हम इसमें एक पिंच हींग भी डालेंगे। देखिए आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें हींग डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसमें हम नमक डालेंगे, देखिए ज़्यादा नमक नहीं डालना है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डाल सकते हैं और हमारा फाफड़ा बहुत अच्छा बनेगा। देखिए आप, और थोड़ी सी हम इसमें हल्दी डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है। ज़्यादा हल्दी नहीं डालनी है, थोड़ी सी हमें हल्दी डालनी है इसमें। और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे इस सारी चीज़ों को। और इसमें हम थोड़ा सा, देखिए ये मैंने एक चम्मच इसमें तेल डालना है, इसमें ज़्यादा तेल का यूज़ नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा ही हमें डालना है। और अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए। देखिए जैसे हम मोयन मिलाते हैं ना, वैसे ही इसमें अच्छे से मिक्स कीजिए। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा, एकदम से बढ़िया हमारा फाफड़ा बनकर तैयार हो जाएगा। हमने जिसमें इसमें बेकिंग पाउडर डाला है ना, थोड़े से इसमें जैसे फाफड़ा बनाते हैं तो थोड़े से बबल्स आते हैं ना, वो बेकिंग पाउडर से ही आते हैं और हमारा फाफड़ा बहुत ही अच्छा बनता है। ये गुजरात का फेमस फाफड़ा है। और देखिए हम थोड़ा थोड़ा, हमें इकट्ठा पानी नहीं डालना है इसमें, थोड़ा थोड़ा हम चम्मच से इसमें पानी डालेंगे। इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं चम्मच से थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगे। हमें ज़्यादा पानी की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चार पांच चम्मच इसमें पानी डालेंगे और हमारा एकदम अच्छा डो लग कर तैयार हो जाएगा। देखिए हमें ज़्यादा सॉफ्ट और ना ज़्यादा कड़ा, एकदम हमें मीडियम साइज़ का इसका आटा लगाना है। देखिए जैसे मैंने लगाया है ना, वैसे ही आप लगा दीजिए। बेसन थोड़ा सा चिपकता है, इसीलिए हम थोड़ा सा हाथ में देखिए ऑयल लगा लेंगे और इसको देखिए हाथों से थोड़ा सा और करेंगे। देखिए थोड़ा ऑयल लगा देंगे तो ये हाथों में और देखिए चिपकेगा नहीं। और देखिए हमने एकदम से, ना तो सॉफ्ट है ना ही ज़्यादा कड़ा है आटा, ऐसे ही आपको लगाना है। और देखिए हम इसको थोड़ा लंबा लंबा कर लेंगे और इसकी लोइयां छोटी छोटी हमें लोइयां बना लेनी है। हम सारी लोइयां ऐसे ही बना के रख लेंगे और फिर आसानी होगी हमें इसको बनाने में, फिर हम जल्दी से इसको बना सकते हैं। देखिए सारी लोइयां मैं ऐसे ही बना के रख लूँगी, अब इनको हम हाथ से गोल गोल कर लेंगे और सारी गोल गोल करके हम लोइयां रख लेंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए मैंने सारी लोइयां बना ली हैं, आप भी ऐसे ही बना के रख लीजिए तो बनाने में आसानी होगी। देखिए हम ऐसे थोड़ा सा लंबा सा कर लेंगे हम अपनी लोई को और देखिए हाथ से इसको घिसना है हमें, बेलन से नहीं बेलना है बिल्कुल भी, और इसको छुटाना भी हमें चाकू से है, तभी हमारा फाफड़ा अच्छा बनेगा। इसको बिल्कुल भी बेलन से नहीं बेला जाता है, इसको हाथ से ही देखिए आप पट्टे पर रखकर इसको घिस लीजिए हाथ से ही, और हमारा फाफड़ा एकदम बढ़िया बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए मैं ऐसे ही दूसरा बना लूँगी, आप ऐसे ही सारे बना के रख लीजिए। देखिए थोड़ा लंबा और आप कर सकते हैं तो आप कर लीजिए, देखिए मैंने जैसे बनाया है आप वैसे बना सकते हैं। देखिए इसको चाकू से आराम से हम छुटा सकते हैं इसको। देखिए अब मैं ऐसे ही सारे बना के रख लूँगी और फिर हम सेकेंगे, इकट्ठे सारे बना के रख लेंगे तो एकदम सेकने में आसानी होगी। देखिए एक कढ़ाई रख ली है मैंने, उसमें ऑयल गर्म हो गया है हमारा। देखिए हम चेक कर लेते हैं एक बार, देखिए हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम एक एक करके ये डाल देंगे, देखिए हम दो तीन एक साथ डाल देंगे और देखिए
इनको अच्छे से हम थोड़ा सा पलट देंगे, एकदम बढ़िया से हमारा फाफड़ा बनकर तैयार हो जाएगा। आप इसको सुबह के नाश्ते में भी खा सकते हैं और जब मन चाहे आप तब खा सकते हैं इसको, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए आप इसको हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं, हरी चटनी मिर्ची वाली तीखी बना के ये बहुत ही अच्छा लगता है। और ये गुजरात में चटनी और जलेबी के साथ खाया जाता है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ये वहाँ गुजरात का एकदम स्ट्रीट फूड है और खाने में जितना टेस्टी होता है उतना ही, देखिए हमारा सिक गया है, इसको हम गोल्डन ब्राउन सेकना है हमें इसको, और इसको हम निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा बना है, हमने थोड़ी सी मिर्ची भी ऑयल में डालकर देखिए सेक ली है और इसके ऊपर हम रख देंगे। कितना अच्छा लग रहा है, एकदम मार्केट जैसा हमारा बनकर तैयार हो गया फाफड़ा। आप इसको घर में आसानी से बना सकते हैं, मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी कि हमारा एकदम कितना अच्छा फाफड़ा बनकर तैयार हो गया है। देखिए एकदम सॉफ्ट भी है और खाने में क्रिस्पी भी है, एकदम कितना अच्छा बना है हमारा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी दबाएं। अगली वीडियो में मिलूंगी मैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।